कान्हा, ये देख तेरा कमरबंद। ये कैसे हो सकता है? असंभव। ये दोनों तो एक जैसे हैं, परंतु मेरे कान्हा जैसा कमरबंद किस पालक का हो सकता है? कान्हा, तुम्हें अपने दाव के साथ ठिठोली करने में आनंद आता है क्या? जब कमरबंद तुम्हारे पास ही था तो इतनी ठिठोली क्यों की? अरे दाऊ, कभी कभी तो आपके साथ ठिठोली करने का अवसर मिलता है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। कान्हा, चल तू अपने मित्रों के साथ खेल, आजा। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये माखन चोर आखिर है कौन? महाराज की जय हो। बोलो क्रूर, गोकुल से क्या समाचार आया हो? शुभ समाचार नहीं है। गोकुल वासियों को यह पता लग गया है कि मथुरा से जो माखन की मटकी भेजी थी उसमें विष था। और महाराज वो और क्या क्रूर? महाराज ये समाचार लाया है कि गोकुल के वासी ये सोच रहे हैं कि ये गोकुल का सारा दूध घी माखन अपने बालकों के लिए बचा के रखें और घर में आपको देने के लिए बदले में कुछ और दें। अक्रूर, चाहे जो भी हो, मैं कंस इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं गोकुल वासियों के मन में इतना भय तो है कि वो कंस के घर से दूध दही माखन को निकाल कर अपने बालकों को तो नहीं खिलाएंगे, गोकुल वासियों को अपने बालकों के जीवन की चिंता है और ये कार्य वो कदापि नहीं करेंगे। अब इस माखन चोर का क्या करना है तो मुझे सोचना होगा। चलो चलो चलो, चलो बैठो जल्दी। बच्चों, आज मैं अपने हाथों से तुम सबको माखन खिलाऊंगी। कान्हा, तू भी मैया के साथ बच्चों को माखन खिलाएगा? तो फिर ठीक है बच्चों, आज मैया और कान्हा तुम सबको जी भर के माखन खिलाएंगे। यशोदा माखन भोज करा। बच्चों, जी भर के खाओ, संकोच मत करना, जितना खाना चाहते हो उतना खाना। बालक हो जाए। कान्हा, धैर्य से परोसना और वहां कान्हा माखन सबको खिलाए। कान्हा परोस नहीं रहा, अभी तू प्रेम से खिला रहा है। मन हर्षाए। माखन अच्छा नहीं है,
माखन तो बहुत अच्छा है, पर चुरा के खाने में जो आनंद आता है वैसा आनंद नहीं आया। हाँ मुझे भी आनंद नहीं आ रहा। मुझे भी, मुझे भी। देखो कान्हा कैसे आनंद से सबको बांट के माखन खिला रहा है। अब अगर कान्हा ही चुराना नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? यदि कान्हा माखन नहीं चुराएगा तो हम भी नहीं चुराएंगे। हाँ हम भी नहीं चुराएंगे। हम नहीं चुराएंगे। कान्हा कुछ करना होगा। दाऊ कर तो रहा हूँ। क्या? कभी कभी माखन खाने में कम और खिलाने में अधिक आनंद आता है। क्या कह रहे हो कान्हा, समझा नहीं मैं। अच्छा दाऊ ये शरारत, अब आप ऐसा करेंगे? तुम्हें ने कहा था ना कान्हा कि खाने से अधिक आनंद खिलाने में आता है। ये कैसे हुआ? मैंने तो नहीं किया। ये क्या? मैंने कुछ नहीं किया, स्वयं हो गया, पता नहीं क्यों। देखा दाऊ, आया ना आनंद। अभी तो ठीक है, आगे का क्या कान्हा? दाऊ मैं समझ रहा हूँ कि इन सबके मन में क्या है। इन सब की छोड़ो, तुम्हारे मन में क्या है कान्हा वो बताओ। पहले गोकुल के सभी बच्चों की माखन की व्यवस्था हो जाने दीजिए दाऊ, फिर हम अपनी टोली का क्या करना है वो सोचते हैं। परंतु कान्हा एक बार माखन खिलाकर क्या ये गोकुल वाले मानेंगे कि कंस को कर में माखन ना देना ही बेहतर है? अपने बच्चों को माखन खाते देख गोकुलवासी प्रसन्न तो हैं, परंतु कंस को कर देने का भय भी है। जानता हूँ दाऊ, पर जब प्रेम की अति हो जाती है तो चाहे भय कितना भी क्यों ना हो, अंततः प्रेम की ही जीत होती है। यशोदा मैं उधर बच्चों को माखन देकर आती हूँ। हाँ जी जी। ये लो। अरे ये नहीं नहीं काकी, मुझे और अधिक नहीं चाहिए। क्यों? इसे मना क्यों कर रही हो बहन, खाने दो ना। लल्ला तू ही बता क्या बात है। कुछ नहीं काकी, मैया कहती है जब बाहर जाओ मन हो तो और नहीं मांगना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इसलिए माखन खाने का मन तो है, पर मैं और माखन नहीं मांग सकता, नहीं तो मैया डांटेगी। तुझे कोई नहीं डांटेगा। खा ले। ये शोदा रानी, इतना मत खिलाओ मेरे बच्चे को, उसे ऐसे ना लगे कि जब चाहे उसे माखन खाने को मिल जाएगा। परंतु क्यों नहीं मिलेगा? आज तो आप लोगों के कारण सभी बच्चों को माखन मिल गया, परंतु हर बार जब उन्हें चाहिए होगा तब तो हम नहीं दे पाएंगे ना। यदि हम ये ठान ले तो हमारे बच्चों को सदैव माखन मिल सकता है। गोकुल में माखन की कोई कमी नहीं है कि हम अपने बच्चों को ना दे पाएं। लल्ला ये ले।
आज तो इतना माखन खा लिया जितना आज तक कभी नहीं खाया था। घर में माखन मांगो, माखन तो नहीं मिलता है। अभी तू मैया बाबा की दाद अवश्य मिल जाती है। हम अपने बच्चों को अनजाने में कितना दुख देते हैं। हम उन्हें भरपेट माखन तक नहीं खिला पाते क्योंकि इनके हिस्से का माखन तो कंस को कर के रूप में देना होता है। यशोदा रानी, आज आप लोगों के कारण बच्चों ने जी भर के माखन खाया है। आज वो तृप्त हैं। नारायण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। माखन चुरा कर खाते हैं और गोकुल के बच्चों को उनके माता पिता माखन नहीं दे पाते। यदि इन लोगों को माखन नहीं मिले ना तो आगे से मैं भी माखन चुरा कर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हाँ, और मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज के बाद से यदि माखन मिलेगा तो सबको मिलेगा। चिंता मत करो, सबको माखन मिलेगा, ये कान्हा का वचन है।